हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग जो सम सॉल्व कर रहे हैं होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी में, तो अपनों को देखने का है कि बाप कौन है बेटा कौन है, राइट। होल्डिंग कंपनी को बाप और बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इधर क्या बोला, वाई ने ना एक्वायर किया 90,000 शेयर। कितना खरीदा? किसका शेयर खरीदा? एस का। तो वाई का टोटल कितना शेयर है इसके पास? 12 लाख रुपए। 1,000 रुपये का तो 1,20,000 शेयर हो जाएगा, राइट। तो नंबर ऑफ शेयर कितना उसके बाद मालूम है? 1,20,000, जिसमें से 90,000 शेयर बाप ने खरीद लिया, राइट। वाई बाप है तो बेटा कौन हो गया? सब्सिडियरी। 30,000। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 9:3 क्या हो जाएगा? 9:3। तो 3:1 इसको काटेगा तो 3:1 मिलेगा। तो ये होल्डिंग रेशियो और सब्सिडियरिंग रेशियो मिलेगा। क्या मिलेगा? होल्डिंग और सब्सिडियरी। तो टोटल कितना शेयर था? 1,20,000। कितना शेयर था? 1,20,000। इसमें से कितना एक बार किया? होल्डिंग मतलब बाप, इधर बाप कौन है? वाई। और बेटे का कितना शेयर था? 30,000। तो 90,000 वाई ने खरीदा, 30,000 इसका। तो जब इसका रेशियो बनाया तो आया 3:1। कितना आया? 3:1 बोला तो 3/4 और 1/4 है ना, मतलब 75% इसका होल्डिंग है और 25% इसका होल्डिंग है। और टोटल शेयर कितना था? 1,20,000। तो पहले ये निकालने का। अब इधर ना टाइम रेशियो देखेंगे, कब इन्वेस्ट, कब इसने शेयर एक्वायर किया। ईयर एंड कभी हो रहा है? 2012। और उसने कभी किया? 2011 में। फर्स्ट, एकदम फर्स्ट डेट पे, मतलब पूरा 12 महीना दिया। क्या दिया? पूरा 12। अक्टूबर में दिया रहता तो प्री पोस्ट आता, अक्टूबर में दिया रहता तो प्री पोस्ट। इधर पूरा 12 मंथ है। क्या? पूरा 12 मंथ, मतलब पूरा पोस्ट ही दिया। क्या दिया? प्री कोई दिया नहीं, ये भी अपनों को देखना पड़ता, राइट। और सबसे पहले किसको बांटने का रहता अपनों को? कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट होता ना उसको कैपिटल में लिखते हैं, और जो करंट ईयर का था उसको रेवेन्यू में डालना पड़ता है। किधर डालना पड़ता है? रेवेन्यू। अगर टाइम रेशियो रहता तो बांटना पड़ता। अभी वाला क्वेश्चन में डिपेंड करता है क्या दिया है। तो सबसे पहले देखो, जनरल सा 2 लाख है, जिसमें से क्या बोला है? 1.5 लाख ना पहले का है। जनरल सा कितना है? 2 लाख। 1.5 लाख का भी का है? पहले का। तो 50,000 करंट ईयर का। तो लास्ट ईयर कितना है? 1,50,000। तो 1,50,000 इधर आ जाएगा कैपिटल प्रॉफिट में ना। 50,000 क्या आएगा मैं बता दो, राइट। 1,50,000 इधर का, ये लास्ट ईयर का है। सेम प्रॉफिट एंड लॉस में भी टोटल कितना प्रॉफिट एंड लॉस है? 4,80,000। उसमें से 3 लाख पहले का है, 3 लाख पहले का और 1,80,000 अभी का। तो 3 लाख भी किधर आ जाएगा मालूम है? कैपिटल प्रॉफिट में। किधर आ जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट में। फिर इधर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर, इधर लिखेंगे जनरल रिजर्व करंट ईयर, दोनों लिखेंगे, राइट। तो जनरल रिजर्व कितना था? 2 लाख। जिसमें से 1.5 लाख कभी का था? पहले का। तो अभी का कितना हो जाएगा? 50। तो ना 2 लाख में से 1.5 लाख क्या करना रहता है? माइनस करना है। तो बचा कितना? वो करंट ईयर का। तो करंट ईयर का किधर आएगा? तुम्हारा रेवेन्यू प्रॉफिट में आएगा। ये नया आइटम आ गया वापस से। प्रॉफिट कितना है? 4,80,000। जिसमें से 3 लाख कभी का है? पहले का। तो बचा कितना? 1,80,000। तो 1,80,000 करंट ईयर का है, इसलिए वो किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। 1,80,000 इधर लिख देता और 50,000 इधर लिख देता, ऊपर नीचे हो गया, राइट। ये तुम्हारा क्या हो गया मालूम है? कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट है ना। तो इसको ऐड करेंगे तो 4.5 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये टोटल कैपिटल प्रॉफिट है, और इसको ऐड कर लेगा तो 2,30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2,30,000। क्योंकि ये करंट ईयर का है ना, तो इसका डायरेक्ट रेवेन्यू में डाल दिया। और इधर कैसे करके दिया था क्वेश्चन में मालूम है आपको? एकदम मिक्स करके दिया था, इसमें से इतना, तो ये ऐसा अमाउंट को ये अमाउंट से माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का था, कभी का था लास्ट ईयर। जो बैलेंस बचा हुआ किधर हो गया? करंट ईयर। अभी जो रेशियो आया ना ये, इसको बांटेंगे रेशियो में। तो क्या होल्डिंग का रेशियो है? 3/4 और 1/4। तो मेजोरिटी बोले तो होल्डिंग, बाप को 3/4 मिलेगा और बेटे को कितना मिलेगा? 1/4। तो 4.5 लाख टोटल कैपिटल प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 4 करेंगे। डिवाइड बाय क्या करेंगे? इंटू 3 इंटू 1। एक बार इंटू 3, एक बार इंटू 1। तो इंटू 1 करेगा तो इधर लिख देने का, और इंटू 3 करेगा तो किधर लिख देंगे? ऊपर लिख देंगे मेजोरिटी को। 3,37,500। ओके, सेम इधर करेंगे, 2,30,000 है ना। इसको क्या करेंगे? पहले डिवाइड बाय 4 करेंगे, है ना। 57,500 ये किसको मिलेगा? सब्सिडियरी बोलो तो बेटे को। और इंटू 3 करेंगे तो 1,72,500 किसको मिलेगा? बाप को मिलेगा। इस तरह तुम्हारा क्या गया? प्रॉफिट को अपने बांट दिया। कौन से प्रॉफिट को? कैपिटल प्रॉफिट को, होल्डिंग और सब्सिडियरी में बांट दिया। सेम रेवेन्यू प्रॉफिट को होल्डिंग और सब्सिडियरी में बांट दिया। अभी माइनॉरिटी क्या है? मतलब जो कंपनी किसकी थी मालूम है क्या? जो कंपनी एस की थी ना पूरी, उसमें तो वाई ने कुछ शेयर्स खरीदा, तो वाई इसको कितना कर्जा देगा? कितना उसका कर्जा बचा है, राइट। मतलब उसका हिस्सा निकाल लेगा, माइनॉरिटी का हिस्सा निकाल लेगा। 1,20,000 शेयर में 90,000 तो बाप ने ले लिया ना, तो उसके पास खुद का शेयर कितना है? 30,000। तो खुद का शेयर कितना उसके पास? 30,000। और एक शेयर कितने का है? 10,000, राइट। सब समय ऐसे ही करने का। टोटल इसके पास 30,000 का वैल्यू हो गया। फिर इधर क्या लिखेंगे? उसको कैपिटल भी मिलेगा और रेवेन्यू भी मिलेगा, चकली चूड़ा भी मिलेगा, राइट। तो ये हो गया कैपिटल, ये हो गया रेवेन्यू। ये हो गया कैपिटल 1,12,500,
और ये हो गया तुम्हारा रेवेन्यू, ये क्या हो गया तुम्हारा रेवेन्यू। अब इसको क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे राइट, किसको ऐड कर देंगे, 3 लाख, 1,12,559, तो 4,70,000 आया। तो ये 4,70,000 क्या हो गया मालूम है तुम्हारा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या हो गया, फटाक से लाइबिलिटी में डाल देने का, किधर डालने का, ये दिख रहा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये टोटल है ना 4,70,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट लाइबिलिटी में आ जाता है राइट, रिजर्व सरप्लस के बाद ऐसा होता है ना। तो मतलब बैलेंस शीट में से एक चीज़ तो मिल गया, क्या मिला, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये किसके तरफ से सोचने का अपने को, बेटा का हिस्सा कितना राइट, अब बाप की कितनी पकड़ है राइट, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या निकालने का, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में देखेंगे इसने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, देखो 90,000 शेयर खरीदा ना, तो जो इन्वेस्टमेंट है कितना रुपए का दिया था, 10 लाख इन्वेस्टमेंट कितना किया, 10 लाख ओके। तो उसने इन्वेस्टमेंट कुछ किया है 10 लाख, तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट बाहर डाल देने का, ये बुक वैल्यू गिवन रहेगा ना, तो 10 लाख डाल के उसको क्या मिला पहले वो चेक करेंगे, तो उसको तो 90,000 शेयर मिला, क्या मिला, एक शेयर कितने का था, 10 का था, तो ये कितना हो जाएगा, 9 लाख। और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमेशा कौन सा प्रॉफिट लेने का, कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या लेंगे भाई, कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट कितना है बाप का, 3,37,500, और इधर दोनों प्रॉफिट लेगा माइनॉरिटी में, इसको कैपिटल भी मिलेगा रेवेन्यू भी मिलेगा, पर जो उसने 10 लाख डाला जिसमें से उसका 9 लाख का शेयर था और कैपिटल प्रॉफिट में भी हिस्सा मिला, कितना मिला, 3,37,500। तो इस तरह उसका क्या हो गया मालूम है क्या, इन्वेस्टमेंट कम है, क्या है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो 10 लाख में से ये दोनों माइनस करेंगे, 3,37,500, तो मिलेगा 2,37,500, कितना आया, 2,37,500, ये माइनस में आंसर है, किसमें आया, मतलब उसने 10 लाख दिया और उसको ज़्यादा मिला है, ज़्यादा मिला, इन्वेस्ट 10 लाख है ना, और मिल रहा है ज्यादा, तो उसका पैसा जमा हो गया, उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, क्या बोलेंगे, अगर आंसर पॉजिटिव आता तो गुडविल रहता, तो गुडविल किधर आता अपना, इंटेंजिबल में था, किधर आता, तो इसको डैश मारेंगे क्योंकि इंटेंजिबल नहीं है, और ये जो भी कैपिटल रिजर्व है ये किधर आएगा आपका, तभी अपन जब कॉलम बनाएंगे सॉल्व करके उधर डाल देंगे ना यार। तो ये अपने ने क्या सॉल्व किया, अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकाला, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी लिखा राइट, अभी एक काम करते हैं, ये एडजस्टमेंट दिया ना उसको सॉल्व करके पहले पोस्टिंग कर देते, क्या करते थे, पोस्टिंग, ये पढ़ो क्या है, बैंक बैलेंस कितना है, 30 और 20 कितना हो गया, कंसोलिडेटेड, मतलब ज्वाइंट करना है तो बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे ना, तो ये एसेट्स में आता ना, ये नाम पढ़ो क्या है, कैश एंड इधर आ जाएगा 50,000, क्या आ जाएगा इधर, सिंपल, जिस पर एडजस्टमेंट उधर ऐड कर देंगे ना, अभी ना एडजस्टमेंट डेटर पे भी ये बिल रिसीवेबल हुई है, तो मतलब अभी एडजस्टमेंट चारों पे, तभी अपनों को क्या करना पड़ेगा था मालूम है क्या, सबसे पहले इधर लिखना पड़ेगा, ये क्रेडिटर्स लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, फिर इसके नीचे लिखेंगे बिल्स पेबल, क्या लिखेंगे, सेम इधर लिखेंगे डेटर्स, क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, है ना, तो क्रेडिटर्स को पहले सॉल्व करते हैं, बिल्स पेबल को, क्रेडिटर कितना है, 1,60,000, कितना है, 1,00,000, तो दोनों को ऐड करो, इधर लिखा 1,00,000, इधर क्या लिखा, 60, है ना, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 1,60,000। सेम बिल्स पेबल को लिखो, 3,30,000 और 1,40,000, इधर लिखिए कि 3,30,000 और 1,40,000, कितना होगा इसको ऐड करके, तो 4,70,000, है ना, सर ब्लैक पेन तो है क्या, देखो हाँ ब्लैक पेन, अभी ना इधर ना आपसी लेन देन होगा ना, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस, तो इधर देख क्या दिया है, डेटर्स इंक्लूड 50,000 ड्यू फ्रॉम एस, तो डेटर में कितना है, 50, तो डेटर से भी माइनस करेगा, क्रेडिटर से भी माइनस करेगा, कितना माइनस करेंगे, 50, तो ये आपसी लेन देन क्या है, म्यूचुअल ड्यूज, इधर लिखेंगे माइनस म्यूचुअल ड्यूज, क्या लिखेंगे, म्यूचुअल ड्यूज, कितना दिया इधर, 50, बाद में हम लोग डेटर में भी माइनस करेंगे, ठीक है, तो इसको माइनस करके कितना अमाउंट है मालूम है क्या, 1,10,000, कितना है, फिर इधर क्या बोला, बिल्स पेबल में, बिल रिसीवेबल में कितना इंक्लूड है, 30, तो बिल रिसीवेबल से भी माइनस करेंगे और बिल्स पेबल से भी, अभी बिल रिसीवेबल सॉल्व नहीं कर रहे, बिल्स पेबल इधर लिखेंगे म्यूचुअल ड्यूज, क्या लिखेंगे, आपसी लेन देन, तो कितना 1,000 दिया इधर, 30, इसको इधर दिया ना बिल रिसीवेबल, तो इसका कर्जा उसका हो गया ना, तो बिल रिसीवेबल आया ना, तो बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल से माइनस करना है, डेटर है तो डेटर से और क्रेडिटर से, अभी बिल रिसीवेबल में कितना है, 30,000, पहले बिल्स पेबल में माइनस कर दो, तो इधर आ जाएगा 4,40,000, अभी इन दोनों को क्या करेंगे, टोटल ले लेंगे, किसको, क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को क्या ले लेंगे, टोटल, तो 1,00,000, 4,00,000, 5,00,000, ये हो जाएगा 5,50,000, कितना हो जाएगा, ये 5,50,000 किधर आ जाएगा मालूम है क्या, ये क्रेडिटर और बिल्स पेबल किधर आता है मालूम है, ट्रेड पेबल में आता है, किधर आता है, ये दोनों किधर आता है, ट्रेड पेबल में आता है, ओके, तो एक काम करो, ये दिख रहा है, पढ़ो, इधर दिया क्रेडिटर फॉर गुड्स दिया, क्या दिया, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा अभी अपने, है ना, तो कितना है क्रेडिटर फॉर गुड्स, इधर लिख दो, तो इसका टोटल कितना है, 3,00,000 और 1,50,000, 4,50,000 हो गया,
इधर जगह नहीं, ऊपर डाल दो 4.5 लाख। अब ये तीनों का टोटल किसका? ये तीनों का टोटल उठा के किधर आएगा? ट्रेड पेबल। तो 4.5 लाख का मैंने डायरेक्ट कंबाइन लिख दिया। क्या अमाउंट लिखना पड़ेगा अपने को मालूम है क्या? 3 लाख और 1.5 लाख। कितना है? 3 लाख और 1.5 लाख। ठीक है, दिया नहीं था मतलब ये सबको ऐड करके किधर डालने का है? पर माइनस क्यों किया? बीच में म्यूचुअल ड्यूस आ गया था ना। अभी सॉल्व करके डाल देंगे 5,50,000। दो क्रेडिट है दिया, एक्सपेंस का दिया, गुड्स का दिया, तो सब उसमें आ जाएगा। 10 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है टोटल? 10 लाख। ये तुम्हारा 10 लाख डायरेक्ट किधर आ जाएगा मालूम है क्या? ट्रेड पेबल में आ जाएगा। ये सबको ऐड करके कितना आया तुम्हारा? 10 लाख। तो 10 लाख किधर आया? इधर आया। अगर मान लो एडजस्टमेंट रहता ही नहीं है, ये 6 के 6 को एक इसको 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 ऐड करके किधर आता तुम्हारा? इधर आता ना। सेम ट्रेड रिसीवेबल में दिया। देखो ना, अब इधर क्या दिया? डेटर और बिल रिसीवेबल दिया। क्या दिया? तो डेटर का अमाउंट कितना है? 7,60,000 और इधर लिखेंगे 7,60,000 5,20। कितना होता है? 7 और 5 12,12,80,000। और बिल रिसीवेबल कितना है? 1,40,080,000। कितना है? 1,40,080,000। कितना होता है? 2,20,000। अब इधर म्यूचुअल ड्यूज क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो क्रेडिटर में कितना माइनस किया? 50 ना। सेम इधर भी माइनस करने का 50। ये आएगा 12,30,000। और बिल्स पेबल में कितना माइनस किया? 30। बिल रिसीवेबल में भी कितना माइनस करेंगे? 30। डेटर का क्रेडिटर से करने का और बिल रिसीवेबल का बिल पेबल से। यह 1,90,000। कितना है? 1,90,000। अभी इसको क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे, राइट। तो 12 और 1 कितना हो गया? 13। तो 14,20,000। कितना गया? 14,20,000। ये 14,20,000 किसका टोटल है? ट्रेड रिसीवेबल का। किसका टोटल है? ट्रेड रिसीवेबल क्या होता तुम्हारा? एसेट। इधर आएगा 14,20,000। कितना आएगा? 14,20,000। है ना। अभी इन्वेंट्रीज दिया है। क्या दिया है? इन्वेंट्रीज बोले तो स्टॉक, इन्वेंट्रीज बोले तो स्टॉक। तो क्या करेंगे अपन मालूम है क्या? अभी स्टॉक के ऊपर दिया है, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इधर लिखेंगे स्टॉक। तो स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है? 2,40,380,000। 2,40,380,000 बड़ा समय बहुत है ना यार, बहुत ज़्यादा बड़ा है। चला दे, मिल गया मिल गया। इसको अपलोड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। चला 6,20,000 हो गया। कितना हो गया? अभी इधर एडजस्टमेंट क्या बोला हितेश? जो गुड्स दिया था ना 40,000 का, उस पर प्रॉफिट चार्ज किया था उन्होंने। कितना परसेंट? 25। तो जो 40,000 का माल गया उस पर 25% प्रॉफिट ऐड है। तो जब भी ऐसा करेगा तो उसको कैसे वैल्यू निकालेगा? ये 40,000 लेने का, कितना लेने का? 40,000। तो इंटू 100 करेगा, डिवाइड बाई 125 करेगा, क्योंकि कितना परसेंट कॉस्ट ऐड है? 25। अगर 30 बोला लेकर आएगा तो नीचे कितना आएगा? 130। और 20 बोला तो इसको सॉल्व करके 32 आया। कितना है? और गुड्स कितने का था? 40। तो गैप कितना हुआ? 8,000। तो ये 8,000 क्या हो गया? तेरा अनरियलाइज स्टॉक हो गया। क्या हो गया? इसका हिसाब में नहीं आता, तो उसको स्टॉक में से माइनस करेगा। कितना हज़ार माइनस करेगा? तो 8,000। तो जो तेरा बचेगा ना 6,12,000, क्या बचेगा? 6,12,000 वो स्टॉक में जाएगा। किधर जाएगा? स्टॉक में। तो 6,12,000 स्टॉक बोले तो क्या होता है? इन्वेंट्री। इधर आएगा 6,12,000। क्या आएगा? 6,12,000 है ना। और ये क्या पढ़ो? टेंजिबल एसेट। क्या ये टेंजिबल में क्या आएगा? बिल्डिंग आएगा, मशीनरी आएगा, फर्नीचर आएगा। तो फिर क्या करेगा? बिल्डिंग को ऐड करेगा, मशीनरी को ऐड करेगा, फर्नीचर को ऐड करेगा। इन्होंने तो इधर ऐड किया ना, इधर लिखा तो है ना, इन्होंने लिखा बिल्डिंग लिख के ऐड किया, प्लांट लिख के ऐड किया, फर्नीचर लिख के ऐड किया। फिर तीनों का टोटल कितना है? 34,30,000। ये उठा के डाल दिया इधर 34,30,000। ये भी हो गया राइट। इन्वेंट्रीज भी डाल दिया, ट्रेड रिसीवेबल भी डाल दिया, कैश मतलब ये तो कैश ऐड करने का था। गुडविल नहीं है इसके, इंटेंजिबल खाली हो गया। ट्रेड पेबल में सॉल्व किया था, म्यूचुअल ड्यूज माइनस करके डाल दिया था ना सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो यही उठा के डाल देने का था राइट। और अपने को अभी क्या सॉल्व करने का? रिजर्व सरप्लस। क्या सॉल्व करने का? करा था। ये क्या है? शेयर कैपिटल। इसका डाल देने का बाप का 10 लाख। ये वाला सब है ना। कितना है? 24 लाख। ये आ जाएगा तुम्हारा शेयर कैपिटल। कितना आ जाएगा? जो बड़ा हाँ बाप का लेगा। किसका लेगा? बाप करेगा। अभी तेरे को सॉल्व क्या करने का है? अभी देखेगा तेरा प्रॉफिट कितना है इसमें, अपना प्रॉफिट लेने का। किसका लेने का? अपना। तो अपने पास कितना है प्रॉफिट एंड लॉस? 3,40,000। अपना कितना है? 3,40,000। वो लिखेगा। और क्या आएगा इधर? रेवेन्यू प्रॉफिट है ना। देखना ये दो प्रॉफिट किसको दिया? माइनॉरिटी को दिया। और ये वाला किधर गया? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये बचा ना रेवेन्यू प्रॉफिट, ये ऐड करेगा 1,72,500। 1,72,500। ये अपना प्रॉफिट कहाँ से मिला? टेबल से मिला। और ये रेवेन्यू प्रॉफिट गया। तो कितना है? 5,12,500। अभी स्टॉक वाला एडजस्टमेंट आया था ना, तो उसमें कितना प्रॉफिट था? 8,000 था। कितना था? तो वो इधर भी लेस कर देगा। एक तो स्टॉक से भी माइनस किया और एक इधर से भी माइनस किया।
ये है 5,04,500, कितना है 5,04,500। तो अपन को खेलना किसका था, रिजर्व एंड सरप्लस। इधर आएगा जनरल रिजर्व, क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और कैपिटल रिजर्व, और क्या आएगा मतलब तीन रिजर्व आएगा ना, जनरल रिजर्व भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा, कैपिटल। तो जनरल रिजर्व एक टेबल में दिया है, किधर है सभा, अपने पास जनरल रिजर्व कितना है 9,00,000, 9,00,000 लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में देखना आया ना अपना सॉल्व करके, 5,05,500, 5,04,500, और इसको सॉल्व करके कैपिटल रिजर्व मिला ना 2,37,500, 2,37,500। अभी सबको क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे 9,5,14,14,2,16, 16 पे 16,42, 16,42, कितना है 16,42। ये तेरा रिजर्व सरप्लस में आएगा, किधर रहेगा रिजर्व सरप्लस में आएगा। ये तेरा शेयर कैपिटल आया 24,00,000, 16,42 रिजर्व सरप्लस, और यह है माइनॉरिटी, और यह है ट्रेड पेपर। तो इसका टोटल लेगा तो मान लें 55,12,000 आ रहा है, कितना रहा है, ये भी अगर 55,12,000 आ रहा है मतलब अपने राइट किया ना, अपने क्या किया राइट किया। तो ऐसा खतरनाक वाला सम था भाई, बहुत खतरनाक था यार। तो कोशिश किया हूँ, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।